मध्य प्रदेश में किसानों की कर्ज माफी के मुद्दे पर भाजपा के आरोप पत्र के जवाब में कांग्रेस ने पलटवार किया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश पचौरी और राज्य के मंत्री पीसी शर्मा की अगुवाई में पार्टी के नेता मंगलवार को शिवराज सिंह चौहान के आवास पर पहुंचे। उन्हें कर्ज माफी के दस्तावेज सबूत के तौर पर सौंपे। कागजात इतने ज्यादा थे कि उन्हें गाड़ी में भरकर ले जाया गया। कांग्रेस नेताओं का दावा है कि पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को जो दस्तावेज सौंपे गए उनमें किसानों के नाम की सूची, उनके मोबाइल नंबर, कर्ज माफी के सर्टिफिकेट, किस बैंक से लोन लिया गया, ये सब जानकारी दी गई है। इस दौरान सुरेश पचौरी ने कहा कि किसानों की कर्ज माफी का मामला छिपा नहीं है, सारी जानकारी ऑनलाइन है। शिवराज और भाजपा लोगों को गुमराह कर रही है, झूठ परोस रही है। किसान कल्याण मंत्रालय है, उसकी पोर्टल पे ये सब है, कोई चीज छिपी हुई नहीं है। अभी मैं प्रेस से बात पीसीसी में करूंगा, आपको सारे डिटेल मैं मुहैया कराऊंगा। हमने उनकी जानकारी के लिए ये सारे के सारे 21 लाख किसानों का जो कर्जा माफ हुआ है वो जानकारी पूरी प्रिंटेड फॉर्म में दी है और उनसे कहा है इसकी शुरुआत आपके गांव जैत से हुई है, आपके परिवार से हुई है। तो कहा क्या जा रहा है आरोप पत्र में, एक भी किसान का कर्जा माफ नहीं हुआ, भाजपा यही कह रही है। तो जैत से शुरुआत करें, अपने परिवार से शुरुआत करें, हर जिले से देखें कि वो कर्ज माफ हुआ है कि नहीं। अगर वो नहीं हुआ है तो फिर हमसे बात करें, वरना हमारे सीधे साधे भोले भाले अन्नदाताओं को गुमराह न करें। कांग्रेसी नेताओं की रवानगी के बाद पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मीडिया से कहा कि मुख्यमंत्री कमलनाथ ने मुझे कृषि विभाग के किसानों की सूची भिजवाई है, मुझे बैंकों की सूची दीजिए, कर्ज माफ तो बैंक करेंगे, सिर्फ माहौल बिगाड़ने और किसानों को भ्रमित करने से कुछ नहीं होगा। राहुल गांधी ने ये कहा था 10 दिन के अंदर सबका कर्ज माफ कर देंगे, कर्ज माफ नहीं हुआ है, कर्ज माफी के नाम पर केवल झुनझुना पकड़ाया गया है। कई किसान जिनके पास कर्ज बहुत था, 1,000, 2,000, 3,000 के कर्ज माफी के प्रमाण पत्र उनको दे रहे हैं और जो दे रहे हैं उसका पैसा भी बैंकों में डाला नहीं है, इसलिए लाखों लाख किसान ठगा गया है, छला गया है, परेशान है। आपने कर्ज माफी की बात कह के सारे लाभ छीन लिए किसानों के। भोपाल से ईएमएस टीवी के लिए कैमरामैन डैनी खान के साथ आकाश सोनी की रिपोर्ट।